जय हिंद साथियों मैं नील आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति एक नई पहल नई शुरुआत नए, नए जोश के साथ सभी को हैप्पी दोली और सॉरी हैप्पी दिवाली और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं बढ़िया तरीके से मनाइए खुश रहिए मिठाई खाइए मस्ती करिए लेकिन साथ साथ आप लोग पढ़ते भी रहिए ठीक है थीके? हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं फेस्टिवल के टाइम पर आप भी मेहनत करिए दोनों मिलकर के एक बढ़िया रिजल्ट लेकर के आएंगे ठीक है डेली वोकैबुलरी की आपकी डेली शाम को छह बजे क्लास चलती है रेगुलर क्लास है एक भी दिन की छुट्टी नहीं है ठीक है और सबसे बढ़िया बात है कि दिवाली के कुछ स्पेशल डेज में स्पेशल क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं तो देखिए सबसे पहली जो ये जो क्लास है है ना फिफ्थ क्लास है और आज की क्लास में हम कुछ इंटरेस्टिंग से मजेदार वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं और बढ़िया इंपॉर्टेंट ठीक है जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं ठीक है चलिए देखते हैं सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है और जिस तरीके से आपको फॉर्मेट पता ही है दिवाली स्पेशल में एक फॉर्मेट चेंज हुआ है उसमें आपको एक डेली वो कैब में कॉम्बो पैक मिल रहा है मतलब कि पांच 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 करके तीन तरह की वोकैबलरी आपको मिलेंगी पांच सैनोनियम पांच एंड फ्रेजेस और पांच आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ठीक है तो स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले क्लास को शेयर करेंगे सभी लोग मिलकर के फटाफट से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ठीक है और आते आते लाइक कर देंगे देखो सबसे पहला ही वर्ड आप लोगों के सामने है कैजोल Iıh! <laughs> पहला वर्ड आप लोगों के सामने है कैजल और कैजल का मीनिंग क्या होता है आप बताएंगे फिर इसका आंसर भी मुझे तुरंत की तुरंत बताएंगे आंसर का मतलब कि आपको एक सिनोनियम बताना है कैजुल वर्ड का देखो कैजल एक बहुत ही अच्छा वर्ड है और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कई बार यूज़ हो चुका है और मजेदार वर्ड आराम से याद भी हो जाता है मैं इसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा याद करने के लिए एक की भी बता दूंगा जो मैं सारे के सारे वर्ड्स में आप लोगों को बताता हूँ देखो कैजल का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना क्या करना होता है इसका मतलब चापलूसी करना किसी की खुशामद करना बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करना वो होता है कैजोल ठीक है तो इंसिस्ट परसुएड और डायरेक्ट या फिर रिकमेंडेड इन चार ऑप्शन में से कोई एक वर्ड आपको चूज करना जो कि बेस्ट एक्सप्रेसिज या फिर मोस्ट सिमिलर वर्ड होगा फटाफट से बताएंगे देखो इंसिस्ट का मतलब होता है किसी को इंसिस्ट करना उकसाना किसी को ठीक है यहां पर लिख सकते हैं किसी को उकसाना इसका मीनिंग होता है परसुएड होता है किसी को राजी करना या फिर मनाना राजी करना या मनाना जब कोई रूठ जाता है तो उसको मनाया जाता है बहुत ज्यादा उसकी खुशामद की जाती है तो उसको बोलते हैं तो तो आपको आंसर आंसर तो मिल ही गया इसका आंसर क्या हो जाएगा बी डायरेक्ट तो जानते हो डायरेक्ट होता है रिकमेंडेड होता है किसी की सिफारिश लगाई हुई ठीक है तो सिफारिश जानते हो रिकमेंडेड इस तरीके से ये हो जाएंगे आपके चार वर्ड का मीनिंग और ऊपर जो लिखा हुआ है इसका सुनानी अब इसको याद करने की ट्रिक बनाना चाहो तो कैजोल की जगह काजोल कर लो काजोल ठीक है काजोल और काजोल भाभी और क्या नाम है उसका अजय देवगन भैया तो काजोल की अजय देवगन जी क्या करते हैं चापलूसी करते हैं तरीके से उनकी खुशामद करते हैं कैसे भी करके आप याद कर सकते हैं तो फटाफट से चलिए देखते हैं अगला बर्ड क्या कह रहा है नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे इमिटेट रिपीट करेंगे बोलेंगे सभी लोग मिलकर के क्लास को शेयर करेंगे फटाफट इसका आंसर करेंगे है ना चार ऑप्शन है आपके पास फॉलो कॉफी थिंक या फिर एलियोड जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा फटाफट इमिटेट का मीनिंग क्या होता है फटाफट बताएंगे सभी लोग <coughs> देखो पहले मैं इसका मीनिंग बताता हूँ आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम होता है आंसर करने के लिए जल्दी करेंगे फिर मैं इसका मीनिंग भी बताऊंगा और आंसर भी दोनों चीज बताऊंगा थोड़ा फास्ट इमिटेट जो वर्ड होता है इमिटेट इसका मतलब होता है किसी की नकल करना नकल करना या फिर किसी को कॉपी करना तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी यानी कि कॉपी करना या फिर मिमिक करना यानी कि मिमिक मतलब किसी की मिमिक कर, करना मिमिक्री करना फॉलो होता है किसी के बराबर में चलना किसी की बराबरी करना साथ चलना थिंक जानते हो एल्यूड होता है संकेत करना या इशारा करना संकेत करना या फिर इशारा करना ये होता है अल्यूड ठीक है तो इस तरीके से ये आपके पांच वर्ड हो जाएंगे इनका मीनिंग भी हो जाएगा समझ में आ रहा ना सब कुछ वेरी गुड शाबाश तो ये था आपका सेकंड वर्ड 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 अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है ना क्लास को शेयर करते रहे है ना सभी लोगों को जगा दो जितने भी पटाखे फोड़ने में बिजी हैं उनको भी और उनको अपने साथ ले लो सभी लोग वेरी गुड ठीक है तो अगला वर्ड देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लाउडेबल लाउडेबल मतलब क्या होता है लाउड मतलब होता है चिल्लाना ठीक है तो किसी के बारे में बहुत ज्यादा चिल्लाते रहते हैं भैया वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है मतलब कहने का इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं लाउडेबल लाउडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय इसका मतलब होता है प्रसंसनीय इसका मतलब होता है मतलब कि जो एक कोई भी इंसान या कोई भी चीज जिसकी तारीफ की जा सके है ना उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी हो जिसकी वजह से हम उसकी क्या कर रहे हो तारीफ कर रहे हो तारीफ के काबिल हो उसको हम बोलते हैं लाउडेबल ठीक है सिंसियर होता है बिल्कुल सिंसियर ना सज्जन बोल सकते हैं सिंसियर प्रेज़ वर्दी होता है प्रशंसनीय प्रशंसनीय और बेनिबुलेंट होता है परोपकारी क्या होता है परोपकारी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दयालु होता है परोपकारी होता है उसको बोलते हैं वेलकम होता है स्वागत करना ठीक है स्वागत करना या नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जाता है तो आप बता सकते हैं चार ऑप्शन में वर्ड नंबर फोर्थ देखो फटाफट से यहां पे क्या लिखा हुआ है इंटीमीडिएट इंटीमीडिएट का मतलब क्या होता है इंटीमीडिएट एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग आपको बताना यहां पर चार ऑप्शन है काम डाउन होता है व्यू होता है लीव होता है या फिर फ्राइटन होता है फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करेंगे पंद्रह सेकंड का टाइम आप लोगों के पास चलो इंटीमीडिएट इंटीमीडिएट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं किसी को डराना इसका मीनिंग होता है किसी को डराना या धमकाना शबाश किसी को डराना या धमकान हाँ आंसर आ तो रहे हैं भैया फ्राइटन फ्रैटन फ्रैटन जानते हो फ्रैटन का मतलब क्या होता है सेम होता है डराना या फिर धमकाना तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्राइटन हो जाएगा ठीक है हाँ काम डाउन होता है शांत करना व्यू तो आप जानती हो दृश्य ऐसे बोल सकती है, है ना और लीव होता है छोड़ना बहुत ही सिंपल सिंपल वर्ड है चलिए <laughs> अगला वर्ड नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है देखते हैं यहाँ पे स्पोरेडिक एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका आपको सुनोनी बताना है सर्वाइविंग है ये स्वीपिंग है ये रेगुलर है या फिर पर, पर, परसिस्टेंट है आराम से बता सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं सिंपल हैं और इंपॉर्टेंट सब कुछ बढ़िया जीता मजेदार तरीके से जल्दी बताएंगे फटाफट से सभी लोग क्या लिखा हुआ है इसका आंसर क्या है इस्पोरेडिक का आंसर क्या होना चाहिए देखिए स्पोरेडिक जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है नॉट कंटिन्यू जब कोई काम रुक रुक करके होता है कंटिन्यू नहीं होता है उसको हम स्पोरेडिक बोलते हैं ठीक है अनियमित तरीके से अनियमित ठीक है वे इस पर जब कोई काम होता है तो उसको हम स्पोरेडिक बोलते हैं क्या बोलते हैं स्पोरेडिक ठीक है स्वीपिंग होता है साफ करना सफाई करना सर्वाइविंग होता है जीवित या रहना ठीक है जीवित जीवन यापन करना ठीक है और रेगुलर जानते हो सॉरी इ जानते हो रेगुलर का उल्टा होता है वही होता है परसिस्टेंट जानते हो ना दृढ़ दृढ़ मतलब एक समय पर एक ही जगह पर डटे रहना दृढ़ परसिस्टेंट मतलब लगातार प्रयास करते रहना आप ऐसे लिख सकते हैं लगातार लगातार प्रयास करते रहना ठीक है लगातार प्रयास करते रहना ये आप लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन है आपको भी परसिस्टेंट रहना चाहिए किसी भी काम को लेकर के जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आपको कैसा रहना चाहिए परसिस्टेंट रहना चाहिए उसे करते रहना चाहिए आखिरकार उसका रिजल्ट मिल ही जाता है ठीक है हाँ हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपको उसका अपना स्टैंड पॉइंट चेंज करना होता है तरीका चेंज करना होता है लेकिन उसको छोड़ना नहीं होता कि लीव कर दो या क्विट कर दो। तो ये इसका मतलब होता है लेकिन हो इेगुलर ठीक है? तो है आपको इडियमेटिक मीनिंग बताना है जैसे कि यहां पर इडियम्स और फ्रेजे स्टार्ट हो गए पहला ही वर्ड है यहां पर एड टू एड फ्यूल टू फायर देखो फ्यूल का मतलब जानते हो ना फ्यूल मतलब होता है ईंधन ईंधन जैसे कि पेट्रोल डीजल घी हो गया बोलते हैं ना आग में घी डालना फायर तो आग होती है तो आग में कोई पेट्रोलियम पदार्थ डालना मतलब कहने का आग को और बढ़ावा देना ठीक है तो टू एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है कि आग में घी डालना जब कोई मैटर पहले से ही बढ़ रहा हो और ज्यादा बेकार हो रहा हो तुम उसमें और घी डाल दो आके तो क्या हो जाएगा वो और ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा इंसाइट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू इन्वेस्टिगेट या टू इंसल्टेड या टू इनिशिएट या टू इंसाइट फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सभी लोग जल्दी से इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है छानबीन करना क्या मतलब होता है छानबीन करना ठीक है और इंसल इंस, इंसुलेट सॉरी इंसुलेट है ही ठीक है नीचे इंसल्टेड नहीं मैं इंसल्टेड पढ़ रहा था तब से है ना इंसुलेट इंसुलेट हाँ, है इंसल्टेड नहीं है सही है इंसुलेट हाँ, का मतलब क्या होता है इंसुलेट का मतलब होता है अलग करना क्या करना अलग करना यहाँ पे लिख ले लेना अगर इसका मीनिंग लिखना चाहो तो अलग करना होता है इंसल्टेड नहीं लिखा ठीक है तो इंसुलेट हो जाएगा अलग करना दूर करना सेपरेट करना इनिशिएट होता है स्टार्ट करना टू स्टार्ट इन जो बोलते हैं ना शुरुआत करना आप लिख सकते हैं शुरुआत करना शुरुआत करना इनसाइट होता है उकसाना उकसाना का मतलब होता है किसी गलत सेंस में उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना या उकसाना ठीक है जब कोई काम पहले से खराब चल रहा हो किसी का गुस्सा भड़क रहा हो और आप उसमें घी डाल दो जाके और तेरे से उसने ऐसे बोला उसको पहले से गुस्सा था उस पर और निकाल दिया जाके तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है वेरी गुड चलिए तो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है अगला फ्रेज है टू बर्न टू लाइट देखो टू बर्न टू लाइट का मतलब क्या होता है फटाफट से बताएंगे इसका आंसर सभी लोग मिलकर के मुझे क्या लिखा है इसका मतलब क्या है टू बर्न टू लाइट बताओ फटाफट से जल्दी इसका आंसर क्या होना चाहिए करिए देखो टू बर्न टू लाइट का मतलब होता है लाइट तो जानते हो ना क्या होता है लाइट का मतलब होता है प्रकाश ठीक है उजाला तो जब आप किसी चीज को प्रकाश में लाते हो अंधेरे से प्रकाश में लाते हो उजाले में लाते हो तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज जो है आप इसको दिखाना चाह रहे हो सबके सामने लाना चाह रहे हो तो जब हम किसी चीज को सबके सामने लाते हैं उजागर करते हैं तो उसका मतलब होता है टू रिवेल ठीक है उजागर करना टू रिवेल उजागर करना क्या करना उजागर करना या सबके सामने प्रकट करना ठीक है या आप बोल सकते हैं प्रकाशित करना क्या करना प्रकाशित करना मतलब सबके सामने लाना प्रकाशित करना ठीक है वेरी गुड अच्छा कंसील होता है इसका जस्ट उल्टा छिपाना ठीक है किसी चीज को छिपाना अपील अपील करना होता है ठीक है और ल्यूमिनसनेस मतलब होता है उस पर चमक डालना या उसको चमकाना साइन करना उसको नहीं टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स बहुत ही सिंपल और मज़ेदार और इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है सॉरी फ्रेज है जिसका आपको इडियोमेटिक मीनिंग बताना है जल्दी से बताएंगे फटाफट क्या मीनिंग होगा इसका टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स एक कैंडल है ठीक है और उस कैंडल को आप इधर से जला रहे हो इधर से भी जला रहे हो दोनों तरफ से जला रहे हो इसका मन इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है जब आप एक कैंडल को दोनों तरफ से जला उजाला तो उतना ही करना है क्योंकि एक ही जगह पर जला रहे हो है ना और एक ही कैंडल है एक ही हाथ में लगी हुई है तो वहां पर क्या है फालतू में आप उसको जल्दी खर्च करना चाह रहे हो चाह रहे हो क्योंकि इधर से भी खर्च होगी इधर से भी खर्च होगी और फालतू खर्चा आप एक तरफ से जलाओगे तब भी उतना ही उजाला आएगा दोनों तरफ से जलाओगे तो बस ये वो जल्दी खत्म हो जाएगी इसका मतलब है कि आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं अपना खर्चा बर्बाद कर रहे हैं तो इसका जो आंसर होगा टू बी एक्स्ट्रा वेगेंट फालतू खर्चा करना या फिजूल खर्चा करना फिजूल खर्चा करना फिजूल खर्चा करना टू सर्वाइव डिफिकल्टी ये होता है डिफिकल्टी में सर्वाइव करना ये होता है टू स्पेंड कॉशियली कॉशियसली कॉशियसली थोड़ी ना सर्वाइव स्पेंड uh, कर रहे हो तो इसका उल्टा हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक शाबाश चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ें अगला देखो नेक्स्ट क्या है 9 नंबर पे लिखा हुआ एट वंस बैक एंड कॉल देखो ये बैक जो है ना वो वापस वाला बैक नहीं वो अलग बैक होता है ये वाला ये वाला बैक अलग होता है वापस वाला ये वाला बैक होता है बिल्कुल इशारे पर रहना बैक मतलब उंगली पर रहना जब भी कोई इंसान को बोलते कि यहाँ तो वो तुरंत वहीं पर होता है उंगली पर होना इशारे पर होना एट वंस बैक एंड कॉल किसी के इशारों पर हो, होना या किसी की उंगलियों पर होना मतलब कहने के किसी की आज्ञा में तत्पर रहना किसी की आज्ञा में तत्पर रहना यहाँ पर लिख सकते हो आज्ञा में रहना मतलब किसी ने तुरंत बुलाया आप तुरंत चले गए तो उसको बोलते हैं आज्ञा में रहना ठीक है टू अटेंड अ कॉल ए कॉल अटेंड करना नहीं यहां पर लिखा हुआ है, टू किसी के द्वारा हेल्प की गई नहीं टू बी यूजफुल एंड नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी डोमिनेटेड बाय डोमिनेटेड का मतलब होता है किसी को प्रभुत्व प्रभुता में लाना डोमिनेटेड मतलब किसी को आदेश देना एक तरीके से उसको अपनी सर्विस में लाना ठीक है तो अब बताएंगे फटाफट इसका क्या आंसर होना चाहिए पता चल गया जब इसका आंसर पता च, इसका मीनिंग पता चल गया तो आंसर भी पता चल जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा टू बी डोमिनेटेड बाय वेरी गुड समझ में आ रहा है ना वेरी गुड चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़े नेक्स्ट बताओ अगला क्या है अगला यहां पे एक और फ्रेज लगा हुआ है अ रेड लेटर डे रेड लेटर डे एक ऐसा दिन यहां पर रेड लेटर है रेड लेटर क्या होता है देखते हैं यहां पर देखो चार ऑप्शन है अ डेंजरस डे इन वंस लाइफ सोरोफुल डे इन वंस लाइफ एन इम्पॉर्टेंट और जॉयफुल ऑकेशन इन वंस लाइफ बोथ डेंजरस एंड सोरोफुल एक तो खतरनाक है या फिर एकदम सोरोफुल है दुखी, दुख दुख से भरा हुआ एक इंपॉर्टेंट और जॉयफुल है और एक होता है जॉयफुल सॉरी सोरोफुल प्लस डेंजरस जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए चलो मैं बताता हूँ रेड लेटर डे का एक ऐसा दिन था जब आपकी प्रियतम या प्रियतमा जो भी हैं आपको रेड रोज और एक लेटर दिया ठीक है तो आपने कहा ये रेड लेटर रेड रोज और लेटर रेड लेटर दिन है मतलब वो सबसे ज्यादा खुश दिन खुश खुशी से भरा हुआ दिन था आपकी लाइफ में कैसा था खुशी एक तो इंपॉर्टेंट था ठीक है लाइफ टाइम तक वही बंदा आपके साथ रहा बंदी आपके साथ रही जो भी है और वो दिन याद रहा कौन सा वाला दिन आपको पता है बार बार बोलने की जरूरत नहीं है तो वैसा दिन यानी कि एक तो सबसे महत्वपूर्ण दिन और ऊपर से बहुत ही खुशी का दिन रेड लेटर दे एन इंपॉर्टेंट प्लस जॉयफुल खुशी से भरा हुआ खुशगवार दिन आप बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं इसको खुशगवार दिन ठीक है खुशी से भरा हुआ और इंपॉर्टेंट यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, फ्रेज और इडियम्स तो चलो इसके बाद ग्यारह जो क्वेश्चन है या ग्यारहवा जो स्टेटमेंट है वो है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाला यहां क्या होगा आपको एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा क्या मिलेगा एक स्टेटमेंट और उसको आपको एक वर्ड में बताना है कि इसका मीनिंग एक्चुअली क्या होता है तो देखो यहाँ लिखा हुआ है अ डिसीज एक ऐसी बीमारी विच इज स्प्रेड जो फैलती है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट से किसी से अगर आप कांटेक्ट कर रहे हो टच कर रहे हो तो आप उससे क्या हो जाएंगे डिफेक्टेड हो जाए इफेक्टेड हो जाएंगे ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं कॉन्टेजियस इन्फेक्शन एपिडेमिक या फिर एंडेमिक जल्दी बताएंगे फटाफट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर इलेवन जल्दी कम ऑन बताओ भाई शबाश देखो ये कॉन्टेजियस जो वर्ड है ना मैं बताता हूँ एक ऐसी बीमारी जो स्प्रेड होती है फैलती है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से इससे बोलते हैं संक्रामक रोग क्या बोलते हैं इनको संक्रामक रोग जो टच करने से या कॉन्टेक्ट मारने से फैलती है तो संक्रामक रोग जो होते हैं उनको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टेजियस क्या बोलते हैं कॉन्टेजियस दोनों का मतलब क्या हो जाएगा संक्रामक संक्रामक रोग ठीक है संक्रामक रोग जो होते हैं उनको बोलते हैं अ डिसीज आ, जो यहाँ लिखा लेको विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो उसको हम कॉन्टेजियस बोलते हैं क्या बोलते हैं बहुत ही अच्छा वर्ड है इसको याद कर लेना रट लेना दिमाग में सेट कर लेना इन्फेक्शन जो होता है वो इन्फेक्शंस होते हैं ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर उसकी जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से होते हैं इन्फेक्शंस ठीक है अच्छा जो एपिडेमिक होता है और एंडेमिक होता है ये तो आप जानते हैं एपिडेमिक और एंडेमिक में क्या फ़र्क होता है पेंडेमिक सुना है आपने पेंडेमिक वर्ड सुना है पेंडेमिक महामारी पेंडेमिक सुना है ना पेंडेमिक तो जो पेंडेमिक होता है वही इसका सनो होता है क्या होता है पैंडेमिक का ही सिनोनियम होता है एपिडेमिक और जो नीचे लिखा हुआ एंडेमिक इसको इससे रिलेट मत कर लेना ना तो ये सिनोनियम होता है ना एंटोनियम होता है ये अलग चीज़ है ये लोकल के लिए यूज़ किया जाता है जब स्थानीय कोई व्यक्ति होता है ना कि आसपास का लोकल का है कि भैया नेटिव है मतलब ये यहीं का है स्वदेशी है लोकल तो आप लोकल के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्थानीय एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है जैसे स्थानीय Language, ये स्थानीय लोग स्थानीय तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एंडेमिक ठीक है Epidemic, pandemic का ही होता infection, infection होता contagious अलग होता ठीक है अलग ठीक तो पता चल गया इसका आंसर क्या होगा ए, ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा चलिए देखते हैं अगला क्या है नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी एंथोनोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजी चलो फटाफट से इसका आंसर करके बताएंगे सभी लोग ठीक है जल्दी द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन में एक तरफ हो जा रहा हूँ जल्दी ये इंपॉर्टेंट है और बढ़िया है मज़ेदार बताओ 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 जल्दी बताओ किसी का आंसर नहीं आ रहा हा तो देखो द स्टडी ऑफ जानते हो ना प्राचीन ये एडजेक्टिव होता है इसका मतलब क्या होता है प्राचीन सिविलाइजेशन होता है सभ्यता सभ्यता मतलब प्राचीन सभ्यता मतलब प्राचीन काल की जो भी चीजें थी उनके बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस चीज को साइंस को क्या बोलते हैं ठीक है पहली बात तो देखो हिस्ट्री होता है तो हिस्ट्री तो इतिहास होता है इतिहास में जो भी कुछ होता है उसको हिस्ट्री बोलते हैं ठीक है लेकिन जो प्राचीन चीजों की जो प्राचीन सभ्यता थी उसके बारे में जो पढ़ाई की जाती है उसको आर्कियोलॉजी सुना होगा आपने आर्कियोलॉजिस्ट सुना होगा तो आर्कियोलॉजी बोलते हैं प्राचीन मतलब पुरातत्व विज्ञान क्या बोलते हैं उसको पुरातत्व विज्ञान अगर किसी को ये विज्ञान मतलब साइंस लॉजी फोबिया साइड इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप लोग जाकर के एक वीडियो सर्च कर लेना मैंने एक क्लास ली थी स्पेशल जिसमें वो कैबलरी की उसमें फोबिया सारे के सारे फोबिया सारे के सारे के नहीं है पर बहुत सारे हैं साइड और ये लॉजी मेनिया एनिया ये सब कराए हैं आप लोग वहाँ पर जा करके पढ़ सकते हैं ठीक है लॉजी वॉजी तो बहुत सारे कराए थे तो वहाँ पर सर्च कर लेना इंग्लिश बाय अनिल यादव फाइव इन वन क्लास वोकेबलरी ठीक है स्पेशल क्लास तो दो तीन घंटे क्लास आराम से देख सकते हैं एथनोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी जानते हो ना मानव विज्ञान होती है जिसमें मानव जाति के बारे में पढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी लिखना चाहो तो लिख लो मानव विज्ञान यही लिख देता हूँ मानव विज्ञान और ये जो लिखा हुआ नीचे एथनोलॉजी ये होता है किसी एनवायरमेंट किसी पर्टिकुलर एक चीज की स्थिति के बारे में जो पढ़ाया जाता है आप इसको बोल सकते हैं जीव 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 जंतुओं की जो स्थिति होती है ना उसके जो साइंस होती है उसको बोलते हैं ठीक है एथनोलॉजी रहा ना या आप बोल सकते हैं कि परिस्थिति विज्ञान आप बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं परिस्थिति विज्ञान परिस्थिति विज्ञान ऐसे करके बोल सकते हैं किसी परिस्थिति के बारे में पढ़ना नेक्स्ट है आपका थर्टी नंबर पे अ थिंग लाइकली टू बी ईजिली ब्रोकन एक ऐसी कोई चीज़ जिसको आप आराम से तोड़ सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो, जो आराम से भंगुर होती है जिसको बोलते तुरंत हाथ लगाओ टूट जाएगी थोड़ा थोड़ा सा भी अगर आपने उसको टच किया या कुछ भी छिड़काने की तो क्या हो जाएगी टूट जाएगी बहुत ही नाजुक चीज़ होती है वल या फिर फ्लेक्सिबल या फिर रिटल या फिर डेलिकेट बताओ फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करके बताएंगे सभी लोगों का आंसर चाहिए मुझे ठीक है जितने देख रहे हैं या फिर जो भी अभी लाइव है जो कमेंट नहीं कर रहे हैं वो भी इसका आंसर करेंगे फटाफट बताएंगे जल्दी से बताओ भैया शबाश देखो वल होता है जब कोई चीज़ सहज में ही किसी के साथ में पिस जाती है बोलते हैं कि यार मैं तो ऐसे जा रहा था मैं तो फालतू में लपेटा गया हूँ उसके साथ में तो सहज में ही नुकसान झेलना उसको बोलते हैं वल सहज में पिस जाना या फंस जाना कुछ भी कर सकते हैं ठीक है जी इसका मीनिंग होता है एक होता है फ्लेक्सीबल फ्लैक्सीबल का मतलब होता है एकदम फ्लेक्सीबल बोलते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो जाता है उसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं लचीला बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोल सकते हैं लचीला एक वर्ड में रिटल और डेलीकेट ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम होते हैं पर इसमें से भी आपको अगर बेस्ट एक्सप्रेसिस छांटना है तो इस वर्ड का जो एक्चुअल आंसर होगा वर्ड होगा वो हो जाएगा रिटल इन दोनों में फर्क क्या होता है इसका मतलब होता है भंगुर ठीक है और इसका मतलब होता है नाजुक हालांकि दोनों का मतलब सेम होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है भंगुर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो जरा सा भी आपने टच किया तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी बेकार हो जाएगी टूट जाएगी वो यूजलेस हो जाएगी लेकिन ये जो चीज़ होती है नाजुक होती है डेलिकेट मतलब नाजुक अगर आप उसको टच करोगे तो हो सकता है वो डैमेज हो जाए लेकिन हो सकता है वो दोबारा से सही भी हो जाए तो उसको बोलते हैं नाजुक जैसे बोलते हैं बच्चों को मत पीटा करो नाजुक हैं है ना कलाई को मत पकड़ो वो नाजुक है कोई सेंसिबल पॉइंट है उसको मत ऐसे बोलते हैं ये नाजुक है या कुछ भी नाजुक होता है ऐसे बोलते हैं नाजुक ठीक है तो उसको बोलते हैं बहुत ही ऐसी है आसानी से टूट सकती है खराब हो सकती है डैमेज हो सकती है लेकिन वो रिकवर भी हो सकती है बट ब्रिटिल जो वर्ड होती है ऐसे कांच है तो कांच का गिलास अगर तो टूट गया तो एक बार रिकवर नहीं होने वाला वो गया तो गया ठीक है जैसे कमल का फूल है सुना है कि उसको हाथ लगाते हैं बाहर निकालते हैं पानी से तो वो बिखर जाता है तो वो क्या है वो भी भांगुर है तो कोई भी ऐसी चीज जो एक बार खत्म हो जाती है डिस्ट्रॉय हो जाती है वो बहुत जल्दी टूट जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रिटल, ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड कोई भी ऐसी चीज या कोई आ, कोई भी ऐसी चीज को आप करेक्ट नहीं कर सकते दैट कैन नॉट बी करेक्टेड जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता ना सुधरने लायक ठीक है ऐसे करके तो यहां पे लिखा हुआ इनक्यूरेबल या फिर इनकरेजिबल या फिर हार्ड एंड या फिर वल्नरेबल देखो वल्नरेबल तो अभी पढ़ के आए हैं तो इसका मतलब तो होगा ही नहीं हार्ड एंड जो है वो होती है कठिन कोई भी चीज हार्ड है ठीक है इनकरेजिबल और करजेबल देखो करजेबल जो वर्ड होता है ना करजेबल करजेबल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसमें इंप्रूव किया जा सके इंप्रूवमेंट किया जा सके जिसको आप इंप्रूव कर सको तो उसको बोलते हैं करेजिबल और जो इसका उल्टा हो सकता है उल्टा होता है बिल्कुल जिसको आप सुधार नहीं सकते जो सुधारा ना जा सके उसको बोलते हैं इनकरेजिबल जिसको करेक्ट ना किया जा सके तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा ठीक है इनक्योरेबल होता है जिसका क्योर ना हो सके उपचार ना हो सके ठीक है इस तरीके से आप लिख सकते हैं चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल वर्ड है आपका क्या ये है अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स पर्टिकुलरली जब कोई ऑफेंड कर देता है ऑफेंस कर देता है कोई ऐसी कोई क्या बोलते हैं ऑफेंडर मतलब अपराध कर देता है तो उस अपराधी को जनरल सेंस में एक क्षमादान दिया जाता है क्षमादान क्या दिया जाता है क्षमादान कि भाई तू तु जा तूने गलती करी है फर्स्ट टाइम तो आपको माफ़ किया जाता है ठीक है तो जो क्षमादान होता है उसको क्या बोलते हैं पार्ले एमनेस्टी या फिर पैरोल या फिर एक्विटल फटाफट से बताएंगे सभी लोग है ना मैं आंसर का वेट कर रहा हूं लास्ट आंसर है इसका तो कम से कम आंसर कर ही सकते हो बहुत ही अच्छा बर्ड है फटाफट बताएंगे सभी लोग बताओ भाई बताओ जल्दी अरे बताओ बहुत ही बढ़िया बढ़िया वर्ड्स हैं जल्दी बताओ फटाफट देखो मैं बता देता हूँ चलो पार्ले जो वर्ड है ना पार्ले वो खाने वाला पार्ले जी नहीं है ये पार्ले का मतलब होता है जब किसी से जनरल आप कन्वर्जेशन करते हैं बातचीत करते हैं तो उसको पार्ले बोलते हैं बोलते हैं कि भैया मीटिंग चल रही बातचीत चल रही है उनसे कन्वर्जेशन चल रहा है तो उसको पार्ले बोला जाता है क्या बोला जाता है बातचीत एक यहाँ पे एमनेस्टी है जो इसका आंसर है एक जनरली किसी और स्पेशली इसको यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल ऑफेंडर्स के लिए मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या राजनीतिक जो, जो चीज़ें होती है वहां पर जब किसी इंसान को क्या किया जाता है माफ़ कर दिया जाता है तो उसको एमनेस्टी बोला जाता है ठीक है पैरोल होता है किसी को जैसे जेल होगी सजा होगी वहां से उसको कुछ टाइम के लिए शादी शादीवादी के लिए उसको क्या कर दिया था रिहा कर दिया जाता है कि चल भाई अपनी छुट्टी मना आ फिर तुझे दोबारा से क्या करेंगे गिरफ्तार करेंगे तो उसको बोलते हैं पैरोल ठीक है अच्छा एक्विटल होता है बिल्कुल मुक्त कर देना रिहा कर देना बिल्कुल फ्री कर देना ये होता है एक्विटल ठीक है चलिए वेरी गुड शाबाश डन तो ये थी हमारे कितने वर्ड्स 15 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके और ये आपकी क्लास भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है ठीक है तो आज की क्लास में जितने भी वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े हैं उनको रिवाइज करेगा ठीक है बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएगा स्पेशल क्लास की ये फिफ्थ क्लास थी और दिवाली स्पेशल में आपका स्वागत है ठीक है बढ़िया बढ़िया वर्ड्स आप लोगों ने जितने भी पांच क्लास में कलेक्ट किए उनका एक कॉम्बो बनाओ ठीक है उनको फिर याद करो उनको अप्लाई करो बढ़िया तरीके से कुछ भी करो और दिवाली मनाओ खुश रहो हंसते रहो मुस्कुराते रहो मज़े लेते रहो लेकिन साथ के साथ पढ़ाई भी करते रहो ठीक है तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लेकर के तब तक के लिए बाय बाय नमस्कार जय हिंद और गॉड ब्लेस यू ऑल